शामली कांधा विधानसभा से 6 बार विधायक रहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे के सामने भाजपा में शामिल हो गए। पिछले 15-20 दिन से उनके भाजपा में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे थे। आज आखिरकार उन्होंने भाजपा में शामिल होकर सभी चर्चाओं पर विराम लगा दिया है। चौधरी वीरेंद्र सिंह के भाजपा में शामिल होने से भाजपा को पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर लाभ मिलने की प्रबल संभावना है। वहीं कैराना लोकसभा में भाजपा प्रत्याशी प्रदीप चौधरी के लिए चौधरी वीरेंद्र सिंह का भाजपा में शामिल होना किसी संजीवनी से कम नहीं है। आज लखनऊ भाजपा कार्यालय पर पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह और उनके पुत्र पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मनीष चौहान ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। वहीं चौधरी वीरेंद्र सिंह से पहले उनके ताऊ चौधरी अजब सिंह कांधला सीट का प्रतिनिधित्व करते थे। उनके निधन के बाद चौधरी वीरेंद्र सिंह ने उनकी राजनीतिक विरासत को बखूबी संभाला है। वे 6 बार विधायक रहे और सन 2002 में सपा राष्ट्रीय लोकदल की गठबंधन सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे।